नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वोंडर एमडी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, वोंडर एमडी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और वोंडर एमडी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि वोंडर एमडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वोंडर एमडी एक ब्रांड नेम है। वोंडर एमडी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन ऑनडेंस्ट्रॉन 4 mg होता है। वोंडर एमडी टैबलेट का उपयोग उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदि समस्याओं को ठीक करने व रोकने के लिए वोंडर एमडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। किसी सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद भी डॉक्टर उल्टी को आने से रोकने के लिए भी वोंडर एमडी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में वोंडर एमडी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में वोंडर एमडी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, शरीर में थकान होना और कब्ज होने की समस्या हो सकती है। और कुछ व्यक्तियों में वोंडर एमडी टैबलेट की वजह से डायरिया यानी दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वोंडर एमडी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। वोंडर एमडी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर वोंडर एमडी टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। वोंडर एमडी टैबलेट को मुंह में लेने के बाद वोंडर एमडी टैबलेट अपने आप घुल जाती है, इसलिए वोंडर एमडी टैबलेट को बिना पानी पिए भी लिया जा सकता है। वोंडर एमडी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको वोंडर एमडी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि वोंडर एमडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को वोंडर एमडी टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे ऑनडेंस्ट्रॉन आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को वोंडर एमडी टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वैसे वोंडर एमडी टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर वोंडर एमडी टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब वोंडर एमडी टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वोंडर एमडी टैबलेट उल्टी को रोकने के लिए व ठीक करने के लिए एक फर्स्ट लाइन ऑप्शन नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं में उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर डोक्सिलामाइन और पाइरिडोक्सिन टैबलेट को कॉम्बिनेशन में लेने की सलाह दे सकता है, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वोंडर एमडी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वोंडर एमडी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका वोंडर एमडी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।